बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए रास रचाए साथ तुम्हारे झूम झूम दिल ये गाए हो झूम। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं 3 नवंबर 2023। आज की मुरली के सार में बाबा ने धारणा स्वरूप बनने के लिए कहा कि जो बच्चे ज्ञानी और योगी हैं, उनमें पिछाड़ी में शक्ति भरती जाती है। यह ड्रामा में नोंद है। दुनिया वालों की बुद्धि भी नरम होती जाती है। तुम वायुमंडल को ज्ञान और योग की शक्ति से शुद्ध करते हो, यह कितना गुह्य ज्ञान है। और कहा, हद का जो नाटक होता है उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और एक्टर जो होते हैं उनका नाम होता है, उनको कितनी प्राइज मिलती है, क्योंकि जलवा दिखाते हैं। तुम्हारा फिर है ज्ञान और योग का जलवा। पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो यह नया ज्ञान हो गया ना, तो रोज पढ़ाई पढ़ना पड़े, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। फिर कहा कि यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा है, तुम्हारे पास फल करोड़ों की मिल्कियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय के लिए ही लिखा हुआ है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की आग जलाए, किसी की चोर लूटे, सफली होगी उनकी जो धनी ईश्वर के नाम सफल करे। फिर कहा कि मनुष्य जो कुछ करते हैं इनडायरेक्ट परमात्मा अर्थ करते हैं, तो उनको एक जन्म के लिए प्राप्ति हो जाती है। तुम बच्चे यहाँ डायरेक्ट इंश्योर करते हो, तो तुम्हारा इंश्योरेंस 21 जन्मों के लिए हो जाता है। 21 जन्मों के लिए तुम प्राप्ति करते हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इतना अंतर है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। आज मुरली से प्रश्न है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती। उत्तर में बाबा ने कहा कि बनी बनाई बन रही तो आत्मा जरूर अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। आज मुरली में गीत बजा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। उसमें पहला है, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले, तकदीरवान बनना है, नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है, वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है, बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलापन से मुक्त भव। उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है, मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ, थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी होती है। लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता है यह नहीं देखते, मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, दूसरों के लिए एग्जाम्पल कौन बनता है? जो सदा यथार्थ चश्मा पहनते हैं, स्वयं को देखते हैं, स्वयं के पुरुषार्थ को देखते हैं, जिनको सदा स्वयं को बदलने की धुन लगी रहती है, वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। आज का स्लोगन है, हदों को सर्व वंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा।
हदों को सर्व वंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।